रायपुर धरसींवा के मेयर रोड सिलियारी में भारी वाहन ट्रक से कमल साहू परिवार के लोग बाल बाल बचे। सिलियारी अंतर्गत लुनिया फर्टिलाइजर कंपनी एवं सिलियारी गुड्स साइडिंग सुहाने ग्रो अशोक असरानी की रेलवे साइडिंग है, जिसमें अवैध रूप से साइडिंग संचालित की जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि यह साइडिंग अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है और भारी वाहनों को बिना परमिट बिना किसी पेपर के ट्रांसपोर्टरों को अवैध रूप से भारी वाहनों को चलाया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट धूल डस्ट से ग्रामीण परेशान रहते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की भी संलिप्तता के चलते अवैध साइडिंग चल रहा है, जिसका ग्रामीणों ने घंटों रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और उचित कार्यवाही नहीं होगी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। न्यूज 36 लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हम पहुंचे अभी कुरुस सिलियारी पंचायत अंतर्गत, जो कि है साइडिंग है, जो खास साइडिंग है जहां बड़ी भारी वाहनों का यहां आवाजाही लगा रहता है। और एक साहू परिवार का जो है परिवार रोड से निकल रहा था, चलते हुए अपने घर जा रहा था, उसी बीच में जो है एक भारी वाहन आता है और उसे उस ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर किसी भी प्रकार की रूट ऐसा है नहीं, डाइवर्ट रूट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैक करके जो है गाड़ी मोड़ता है। उस दरमियान जो साहू परिवार के बच्चों को बच्चे परिवार के ऊपर गाड़ी चढ़ते चढ़ते बाल बाल बचे ग्रामीण उसकी शिकायत पर और चक्का जाम करने जो है ग्रामीण सिलियारी के लोग यहाँ आए हुए हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। यहाँ भ्रष्टाचार का आलम हो चुका है। पुलिस प्रशासन की मिली भगत से यहाँ पर अवैध कारोबार दिन ब दिन फूल रहा है, फल रहा है और जब हम कार्यवाही की मांग करते हैं तो पुलिस प्रशासन जनता को धुतकारता है, जनता को सुनाता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त है पूरी तरीके से। पुलिस की सह में अपराध हो रहे हैं, यहाँ गाड़ियां बेधड़क बिना पिटपास बिना रॉयल्टी की चल रही है। जब कार्यवाही की मांग की जाती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम आम जनता को बोला जाता है कि आपके ऊपर FIR कर देंगे और धमकाया जा रहा है। यहाँ चौकी के सामने जनता की सुनी नहीं जा रही है। आज घटना ये हुई थी, एक कमल साहू का परिवार अपने परिवार के साथ सड़क पर जा रहा था, यहाँ गाड़ी बेतरतीब चलती है साइडिंग की वजह से, पीछे कर रहे थे, गांव वाले पूरे देखे, अगर उनको पकड़ के हटाया नहीं जाता तो 3 लाशें यहाँ गिरे रहती, लेकिन पुलिस वाला उसके बाद में कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मजबूरन हमको चक्का जाम करना पड़ा। चक्का जाम में कुछ गाड़ी बिना पिट पास के थी, जो यहाँ कमीशन खोरी का हमारा ऐसा सोचना है कि वो थी, इसी वजह से उस गाड़ी को चक्का जाम से साइड लगाते हुए हमारे लहरे जी के द्वारा चौकी प्रभारी के द्वारा हटाया गया है और हमारे ऊपर अपराध पंजीबद्ध करने की तैयारी चल रही है। जनहित के लिए हम जेल जाने लाठी खाने के लिए तैयार है और इस क्षेत्र की जनता बिल्कुल ऐसे असामाजिक तत्वों को या ऐसे कोई भी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेगी जो जनता के अहित करने के लिए यहाँ पदस्थ है। प्रशासन का मामला है, यहाँ पर देखा जा रहा है 3-3 साइडिंग चल रही है जिसमें इतनी भारी वाहन है और ग्रामीण क्षेत्र अग्रवाल जी, तो शासन प्रशासन को इसकी जानकारी तो होगी कौन सी गाड़ियाँ किस किस साइडिंग से निकल रही है, क्या क्या पेपर है उनके पास। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे द्वारा बार बार निवेदन करने पर सिलियारी चौकी प्रभारी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, अगर ग्रामीण आपको बता रहे हैं आप प्रशासन में है कार्यवाही करने के लिए, अगर आप कार्यवाही नहीं कर रहे इसका मतलब है आपकी संलिप्तता है और इसके विरुद्ध मैं माननीय SP महोदय से निवेदन करूंगा कि अविलंब इन SI को अविलंब सस्पेंड करने की कार्यवाही किया जाए, जिससे पुलिस की छवि इस प्रशासन के सामने बनी रहे। अभी ग्रामीण क्या चाहते हैं, क्या आंदोलन? ग्रामीण एक ही चीज चाहते हैं, यहाँ हॉस्पिटल है सामने, यहाँ स्कूल है जहाँ हजारों की संख्या में बच्चे निकलते हैं और बहुत स्पीड से यहाँ की साइडिंग की ट्रकें चलती है, जिसकी वजह से बच्चे डरे सहमे रहते हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अतः माननीय कलेक्टर महोदय से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि अविलंब इस साइडिंग को बंद किया जाए। ट्रक रिवर्स करते हुए तीनों को अपने चपेट में लेते हुए बची गाड़ी, जो बच्ची बच्चा बच्चा बीवी बच्ची मम्मी बच्ची, बीच बचाव में नहीं, बच्चा वहां से गिरते गिरते बच्चा और गाड़ी की चपेट में आने से बचा, वो जो बच्चे ने जान बचा के, हाँ, और बीवी और मम्मी जो है वहाँ से भाग गए। क्या चाहते हैं आप लोग आगे, क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई वही है कि आगे इस तरह की घटना ना हो, सबको सबक मिले, ड्राइवरों को बोला जाए कि वहाँ से गाड़ी ना मुड़े और ये अवैध जो है साइडिंग ना चले यहाँ। और भी
अवैध साइडिंग के खिलाफ जो है ग्रामीणों का गुस्सा यहाँ देखने को मिल रहा है और भी लोगों से बात करते हैं। जी बताएं क्या मामला है, कैसे साइडिंग का कई बार विरोध हो चुका है उसके बाद भी शासन प्रशासन की संलिप्तता के चलते इतनी बड़ी अवैध काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोड बनी है तो वाहन चलेंगे, इसमें किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप अगर यहाँ कुछ साइडिंग संचालित कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी ट्रक खड़ी कर देंगे अवैध रूप से। अब गाड़ी अगर गाड़ी रिवर्स हो रही है कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टर नहीं है, मतलब एक गांव को एक वो बना लिया गया है, खुला बाजार बना लिया गया है, मेन सड़क पर गाड़ियां खड़ी हो रही है, रिवर्स हो रही है। और अगर आज ये घटना हो जाती तो हमारे गांव में समझ लीजिए एक शोक का माहौल होता। कल हम जयंती मनाने वाले भगवान राम की, हम उत्साह में थे और हो सकता है घटना घटती तो आज हमारे गांव मातम छाया होता। अब जो व्यापारी यहां पैसा कमा रहे हैं उनको तो अपने घर बैठे हुए हैं वो, और हमारी समस्या क्या है, हम रोज इससे जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, पहले घटनाएं घट चुकी है, ट्रकों की चपेट में लोग आ चुके हैं। हमारा एक ही मांग है कि आप देखिए हम वाहन चलाने से ही रोक सकते लेकिन आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसकी स्पीड व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके खड़े होने की जगह व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमारा यही अब कार्रवाई की मांग रहेगी, हाँ, कि कहीं भी ट्रक ना खड़े करें, रिवर्स ना करें, यही हमारी मांग रहेगी। ये ग्रामीण काफी उग्र हैं और ये बता रहे हैं कि इनको उचित कार्रवाई की जो है इन्होंने मांग की है, और सिलियारी के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं ग्रामीण और काफी आक्रोशित, और एक साहू परिवार बाल बाल बच्चे एक भारी वाहन के चलते जो एक परिवार के साथ एक दुखद घटना हो सकती थी, और भी ग्रामीणों से जानने की कोशिश करते। जी बताएं शर्मा जी क्या था मामला आज का, बताएं। अब क्या है, लगातार क्या है, बहुत दिनों से ना हमारे जो गांव है सिलियारी यहाँ पर जो रेलवे साइडिंग जो गुड्स साइडिंग है एक समस्या बन चुका है मान के चलो। और यहाँ पर क्या है ना जो गाड़ियां चलती है उसको ड्राइवर कहीं से ही मोड़ते हैं और प्रबंधन जो है ना सब कोई संज्ञान नहीं लेता, खाली उनको पैसा कमाना है, व्यापार करना है, और जो जनता है वो बुरी तरह क्या है इससे हताहत हो रही है, परेशान हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो गुड साइडिंग है उसे बंद किया जाए या फिर व्यवस्थित किया जाए, बस मेरा यही कहना है। ग्रामीण उचित कार्रवाई और जो है सिस्टम से काम चले ये कहना है। और हम क्या मामला है आज का, यहाँ सिलियारी में जो सुहाने और असरानी कम फर्टिलाइजर का जो रेक आता है बार बार मना करने से भी ये लोग ना बाज नहीं आते। इसके मालिक को कई बार हो गए बोलते और चौकी में हो गए लिखित शिकायत देते हुए कि कहीं भी स्कूल के जगह में तरेसर मोड़ में जहां भी पाते वहां मोड़ देते लोग, और चौकी में हम लिखित शिकायत हम लोग खुद दे चुके हैं ग्रामीण, उसके बाद भी आज भी यही पुनरावृत्ति बार बार होते रहती है। और ये जो लुनिया की गाड़ी है, लुनिया गाड़ी भी ना कहीं से भी मुड़ती है, और कच्चे का माल पता चला है कन्फर्म नहीं हुआ है, और आज जिस हिसाब से गाड़ी वालों ने किए लुनिया के जो वर्कर ने किया है जो अपने गाड़ी को निकाल के लेके चले गए हैं, जो गाड़ी लुनिया साइडिंग जो गाड़ी खड़ी थी है ना वो गाड़ी को उसका सुपरवाइजर कोई मारकंडे होगा वो गाड़ी लेके चला गया है भगा के, तो इससे साबित होती कि वो गाड़ी कहीं ना कहीं उसका कुछ पेपर नहीं होगा तभी वो लुका छुपी काम कर रहे हैं कर गए है ना। लेकिन ये गलत हो रहा है सिलियारी में कि सब अपना अपना मनमानी कर रहे हैं, जो सुहाने सराने अपना मनमानी कर रहे हैं लोग अपना मन, और पुलिस के पास जाए तो पुलिस वाला कोई हम लोग का गांव वाले का कोई बात नहीं सुनता, ऊपर हम लोग के ऊपर चढ़ाई करते हैं और पैसे वाले का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ग्रामीण बता रहे हैं कि साइडिंग से चलती भारी समस्याएं हैं, उनका विरोध कई बार हो चुका है लेकिन शासन प्रशासन की संलिप्तता और ग्रामीण क्षेत्र के चलते एक चौकी है, चौकी में ऐसे ही थानापूर्ति होती है और जो ग्रामीण इसका आक्रोशित नजर आ रहे हैं, अगर कहीं उचित कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन और साइडिंग बंद।